छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में अब एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है। जांच एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शराब घोटाले मामले में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत 12 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी है। मामले में वित्त मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जांच करना एजेंसियों का काम है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं शराब घोटाले मामले में जो एक्शन हुआ है। शराब घोटाले के मामले में ईडी के बाद अब एक बार फिर से एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो एक्शन मोड पर आ गई है। राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर और दुर्ग में अलग अलग शराब कारोबारियों के यहाँ आज सुबह से जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसमें कथित करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो शराब घोटाले का मामला सामने आया था, इसमें अब जांच जो है वो एसीबी की ओर से तेज कर दी गई है और जो अलग अलग बड़े कारोबारी है शराब से जुड़े उनके घरों पर जो है वो छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों की माने तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जो है वो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने यहाँ पर जब्त किए हैं। मामले में एफआईआर भी जो है ईओडब्ल्यू में दर्ज की गई है। ईडी की टीम ने जब जांच पूरी की थी, कथित छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाले का मामला जो है वो सामने आया था। मामले में एफआईआर के बाद अब ईओडब्ल्यू भी एक्शन में आ चुकी है और जो बड़े बड़े शराब कारोबारी हैं उनके घरों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के बाद कई बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर।